मोहम्मद इकबाल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार काउंसिल के एजाज में आज हमारे वकला दोस्तों ने एक दावत इस्तकबालिया का एहतमाम किया है। मेहमानदारी का जो शोभा है मारूफ नाम है खवातीन में, फरजाना कौसर राना, एक नए सियासी सफर का आगाज है। हमारी किसी से कोई मुखालफत कोई मुखासफत नहीं है। कोई अच्छा नुमाइंदा लेके आते हैं तो वो हमारे लिए क्या करेगा। मेरी आप सब दोस्तों से भरपूर रिक्वेस्ट है कि आप रो इकबाल साहब को, चार वोट हैं मुल्तान के, मुल्तान सीट की चार सीटें हैं, एक वोट प्लीज आप रो साहब को दे दीजिएगा। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये हमारे दिल की तर्जमानी करें, मुझे ये लगता है कि शायद ये हमारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो समझ सकते हैं और हमारे लिए बेहतर तौर पर हमारी नुमाइंदगी आगे पंजाब बार में कर सकते हैं। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। समझता हूँ कि आपके वोट का सही हकदार है और आप इस सही तौर पर ये पंजाब बार काउंसिल में नुमाइंदगी कर सकते हैं। फिर राव साहब वहाँ जाकर इंशाल्लाह एक अच्छा तब्दीली लाएंगे और इसमें बेहतरी पंजाब बार काउंसिल में पैदा होगी और हमारे सही महलों में नुमाइंदगी वहाँ हो सकेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मौलवी सुल्तान आलम साहब, जिन्होंने बीमारी के बावजूद मेरी मोहब्बत में आज वक्त निकाला, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं जनाब डॉ जमशेद अली खान साहब का भी इतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने भी वक्त निकाला और मेरी भरपूर हमायत और मेरी भरपूर सपोर्ट का ऐलान करते हुए अमली कदम आगे बढ़ाया। मेरा मंशूर वो मंशूर है जो खुकला के बुनियादी मसाइल है जो आज तक हल नहीं हो सके, जिसके लिए खुकला ने अपनी क्यादत को चुना। वो क्यादत असल में खुकला की हकीकी क्यादत बनकर सामने नहीं आई। उसके तालिबान है, उसकी मोहब्बतें और उसकी रफाकतें किसी और के साथ नहीं। इंशाल्लाह ताला अगर मैं बन गया, मेरी मोहब्बत भी आपके साथ होगी, मेरी रफाकत भी आपके साथ होगी। यह वो वकला जो बीमारी के सबब वकालत के काबिल ना रहे, इंशाल्लाह ताला उनकी महाना पेंशन मुकर्रर करें। मैं तमाम दोस्तों का बशमूल
आप सबका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर मेरी मोहब्बत का इजहार किया।